चलो क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल मेक्स 45 डिग्री विद वर्टिकल। तो वर्टिकल से 45 है तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 होगा, लेकिन पहले फिगर बनाते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये पार्टिकल है, ये यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया। यू की वैल्यू है 150 मीटर पर सेकेंड और 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए थ्रो किया गया। तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे गिरेगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? ux, ux इज इक्वल टू u cos 60। u की वैल्यू 150, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी 75 आ गया मीटर पर सेकेंड ux की वैल्यू। ui की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा तिरछा बन रहा है, ठीक है। ui इज इक्वल टू u sin 60 डिग्री, थोड़ा सा बेंड हो गया है फिगर में। तो ये हो जाएगा u की वैल्यू 150 इंटू साइन 30 की साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, 2 बाई 2 75 रूट 3, ठीक है। यू वाई की वैल्यू आ गई। तो जब पार्टिकल यहां पहुंचा, एज्यूम करो यहां पहुंचा, ठीक है, यहां पर जब पहुंचा उसकी वेलोसिटी v है। अब वो वर्टिकल से 45 बना रहा है, तो वर्टिकल से अगर ये 45 बनाएगा, तो अगर यहां से 45 बनाएगा तो ऑब्वियस से बात है हॉरिजॉन्टल से भी 45 ये बनाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो चेंज आना नहीं है, जो वी एक्स होगा वही यू एक्स होगा, और वो कितना है 75, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है वी कॉस 45 इज इक्वल टू 75। तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2, रूट टू से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 75√2 करेक्ट है। और वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन 45, ये कितना हो जाएगा, सो वी वाई इज इक्वल टू वी की वैल्यू 75√2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, रूट टू से रूट टू गया, सो वी वाई इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड, ये 75√2 मीटर पर सेकेंड। अब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। ऊपर इंटेंशन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई की वैल्यू कितनी है प्लस 75, ठीक है, इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू है 75√3, 75√3। ए वाई की वैल्यू माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू टी, टी को उधर भेज दो, ये पूरा टर्म इधर भेज दो, 10t इज इक्वल टू 75√3 प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 75, तो 75√3 माइनस 1, 10 को इधर भेज दो, 10 नीचे चला गया t, तो t इज इक्वल टू 7.5 हुआ, रूट 3 माइनस 1, 7.5 को 15/2 भी तो लिख सकते हैं, 15/2 रूट 3 माइनस 1 ऑप्शन में देखो आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, 15/2 रूट 3 माइनस 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।